तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नारी टीवी में और बात करेंगे सागर की। सागर जिले के रहली में एक शिक्षक की अनोखी पहल से बुजुर्ग प्रोजेक्टर पर डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के तहत गांव में बुजुर्गों को साक्षर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षक अमित यादव लगन और मेहनत से बुजुर्गों को साक्षर बनाने में लगे हुए हैं। अमित यादव ने साल 2020 में ऑनलाइन केवीसी खेलकर 1 लाख रुपए की धनराशि जीती थी, जिससे उन्होंने एक प्रोजेक्टर खरीदा। पहले उन्होंने प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ाया और अब वे बुजुर्गों को भी पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक गांव में जाकर डिजिटल तरीके से कक्षा लगाने का कार्य कर रहा हूं।